जिसमें जिसमें हम आपको बंद करें। हेलो गाइस, क्या हाल है आपके? One eternity later. हेलो गाइस, क्या हाल है? मैं आ गया हूँ यहाँ पे क्वालिटी स्वीट शॉप जम्मू में। हेलो गाइस, क्या हाल है? हम आ गए आप एक और ब्लॉग चैनल के लिए, एक्सप्लोर विद शुभम चैनल का नाम है, और हम आए हैं यहाँ पे क्वालिटी स्वीट शॉप कनाल रोड जम्मू, जिसमें हम आपको यहाँ के खिलाने वाले हैं टॉप 3 डिशेस। तो सबसे पहले टॉप 3 डिशेस बता दें कि वो कौन सी है। सो आइए चलिए। सो जिसमें से पहली रिकमेंड जो चीज़ थी वो है अपनी गुलाब जामुन, और सेकेंड वन है रसमलाई, और थर्ड है चॉकलेट बर्फी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद शुभम। तो मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ रिव्यू वीडियो लेके। सो यहाँ पे अंदर आ चुके हैं हम। सो एम्बियंस इज वेरी गुड। सारी चीजें देखकर लग रहा था कि सब कुछ ट्राई कर लें, बट यहाँ के ही स्टाफ ने हमें रिकमेंड किया कि आप ये टॉप 3 हमारी स्वीट्स खाइए। सो गाइज, आज मैं इसी टॉप 3 स्वीट्स का आपको इस वीडियो में रिव्यू देने वाला हूँ। सो कहीं मत जाइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू डूइंग गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस, हम आ चुके हैं एक और खतरनाक सा रिव्यू लेके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप 3 डिशेस पड़ी हुई हैं। सो सबसे पहले मैं अपने नीतीश भाई को बोलूँगा कि यहाँ पे फोकस मार लीजिए, क्योंकि ये सबसे ट्रेंडिंग चीज़ है जो है गुलाब जामुन। और सबसे पहले गुलाब जामुन का आप साइज चेकआउट कीजिए भाई साहब। देखिए भाई साहब कितना ज़बरदस्त है। और नेक्स्ट आइटम की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट आइटम अपनी आ चुकी है, क्या बोलते हैं इसे, रसमलाई मुझे नाम ही भूल गया। तो भाई साहब इसका भी साइज चेकआउट कीजिए, बहुत बड़ा साइज है वो भाई, देखिए। सो नेक्स्ट आइटम अपनी आ चुकी है, इससे मतलब थर्ड वाली जो आइटम हम जा रहे हैं, तो थर्ड वाली अपनी आती है क्या बोलते हैं इसे, चॉकलेट बर्फी। चॉकलेट बर्फी आ चुकी है, जिसपे मतलब फुल लोडेड इन्होंने देसी घी से बनाई हुई है, और साथ में देखिए भाई साहब काजू भी लगा, काजू और साथ में मतलब ड्राई फ्रूट्स बीच में ऐड करे हुए हैं। सो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सो आपको अब हम रिव्यू देते हैं सबसे पहले गुलाब जामुन का, क्योंकि गुलाब जामुन उनके कैसे हैं। सो ये आ चुकी है गुलाब जामुन की बाइट, तो सबसे पहले खा के बताते हैं और देखते हैं कैसा बना हुआ है। टेस्ट बहुत अच्छा है, और ज्यादा मतलब मीठा भी नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए नॉर्मल उतना ही है, मतलब बैलेंस टेस्ट है। मैं इसको मतलब 5 out of 5 देना चाहूंगा, कि मतलब बहुत अच्छा है। सो फुली रिकमेंड है, आप आगे यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं, तो जो हमारी है रसमलाई। सो आपने साइज चेकआउट कर लिया रसमलाई का, सो यहाँ पे आप इसको खा के थोड़ा बता देते हैं ये कैसी बनी है, और मतलब अगर आप यहाँ पे इन फ्यूचर आ रहे हैं सो क्या क्या आपको डिलीशियस यहाँ पे खाने को मिलेगा। सो ये देख लीजिए सबसे पहले हमारी बाइट रसमलाई की। सो इसको ट्राई करते हैं कैसी बनी हुई है। भाई साहब एक नंबर, मतलब मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब कुछ था मतलब जैसे मैंने मुंह में डाली ना मतलब पिघल गई, कुछ लगा कि मैं कुछ खाया होगा। सीरियसली बहुत मस्त है, ये भी फुली रिकमेंड है, 5 out of 5 इसको भी मैं रेटिंग देता हूँ। एंड द नेक्स्ट वन इज लास्ट, जो हमारी आइटम थी जो हमने इन 3 कॉम्बोज में मंगवाई थी, तो वो है अपनी, इसका नाम मैं बार बार भूल रहा हूँ, चॉकलेट बर्फी। सो थैंक यू सो मच नितेश भाई जो मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो ये अपनी चॉकलेट बर्फी आ गई, जिसमें भाई साहब
काजू लगे हुए हैं और ये फुल्ली जो है, ये देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ये देखिए कितनी चीज़ी है और कितने इजीली मतलब ये अलग हो गई, मतलब कितना सही इसका पोस्चर है जिस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ, और मेरे साथ वेट नहीं हो रहा। सो फटाफट से मैं खा के आपको बता देता हूँ कि ये वाली जो थ्री आइटम है, तीसरी आइटम है, ये कैसी बनी हुई है। भाई साहब लिटरली आई एम शॉक्ड, जैसे मैंने खाई है लगा कुछ खाया हुआ है, और सीरियसली फुली रिकमेंड प्लेस मैं करता हूँ कि यहाँ पे भी आप आके ये मिठाई ट्राई कर सकते हैं, ये कॉम्बो ट्राई कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आओ और आप भी ये ट्राई कीजिए। और दोस्तों मैं अपना रिव्यू देने आ रहा हूँ, तो एक बार चेक करते हैं कि ये मिठाई कैसी बनी है और आपको बताते हैं टेस्ट करके। सो यहाँ पे जो पहली आइटम आ चुकी है वो अपनी आ गई गुलाब जामुन, तो नीतीश भाई फटाफट ट्राई कीजिए और आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वाओ, है कुछ है नहीं, मस्त धमाका, क्या बात है। चलिए भाई साहब अब नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आइटम अपनी रसमलाई आ चुकी है, रसमलाई आ गई है। बहुत तगड़ा वाला रिव्यू आया था यहाँ पे नीतीश भाई का फर्स्ट आइटम में, और सेकंड आइटम में देखते हैं कैसा रिव्यू आता है। ओए हो, मुंह में डाल दे घुल जाएगी भाई, है ना, घुल गई ना, चला पता कहाँ गई, कुछ नहीं पता चला कहाँ गई, मुंह में डाला सीधा घुल गई अंदर, क्या बात है। भाई सब नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं, और नीतीश भाई अभी भी वही उसी को ही फरोलने के लिए लगे हुए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं जो है अपनी ये रसमलाई है। चॉकलेट बर्फी, मतलब तीन आइटम इतनी जबरदस्त बनी है कि हमें पता नहीं चल रहा कौन सी आइटम का क्या नाम है। सो यहाँ पे थर्ड आइटम का रिव्यू देते हो नीतीश भाई, है कुछ ये, मतलब आपको मानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसा बना हुआ है। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, चॉकलेट बर्फी की ड्राई फ्रूट्स हैं, मस्त। मैं तो रिकमेंड करूंगा भी सारे गाइस को कि यहाँ पे आए और विजिट करें और ये जरूर ट्राई कीजिए, ट्राई करें। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करनी है आप। सो ढेर सारा प्यार देना है हमें, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और प्रॉपर आपको हमने यहाँ की डिटेल्स दे दी हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं, और जो हमने टॉप थ्री आपको रिकमेंड चीज़ें की हैं वो आप यहाँ पे ज़रूर आके ट्राई कर सकते हैं। सो वीडियो कर रहा हूँ ये वाली मैं एंड। सो भाई अपने क्या खा रहे हैं, यहाँ पे चिप्स खाए जा रहे हैं भाई अपने। सो भाई को बहुत अच्छे लगे इनकी सारी आइटम है, सो आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए क्या करना है, अपने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारी वीडियो शेयर करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।